हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे ओवन केक मिक्स। ये पड़ जाता है आपको 224 रुपए का। ये 270 ml है। इसको हम पहले, ये लिखा हुआ है मिक्स इन अबाउट बिलो, एक बर्तन में मिक्स करना है इसको, जिसमें जिस पैक दिया हुआ है इसमें वाटर ऑयल मिक्स करके स्पून से मिलाना है। और तब इसको, ये देखिए 270 ml है, इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमने पैक खोल लिया है इसके, ये इतने सारे हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे वाटर। इसमें सब कुछ ऑलरेडी मिक्स है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी। वैसे आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, ये देखिए, जिससे ये स्पॉन्जी होगा। ये एगलेस है, 3 चम्मच हम कर देते हैं, बढ़िया से ये स्पॉन्जी होगा। इसके लिए हमने 3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। और इसमें डालेंगे हम पानी, ये देखिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे, अगर कम पड़ेगा पानी तो हम इसमें और पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है, इसमें मिक्स वेल, मतलब अच्छे से ये मिक्स होना चाहिए। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें घी का यूज किया है। घी से फ्लेवर अच्छा आता है, क्योंकि हमारे बच्चों को रिफाइंड ऑयल पसंद नहीं पड़ता, इसलिए हमने घी का फ्लेवर डाला है इसमें। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट या फिर वो जो टूटी फ्रूटी आते हैं वो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, जिसमें इसमें लम्स एक भी नहीं रहना चाहिए, लम्स होने से इसको खराबी करेगा, इसलिए इसे अच्छे से हमको फेंटना है, जितना हम फेंट सके अच्छे से। ये देखिए, इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। अगर हमें इसमें पानी की कमी लगे तो हम इसमें पानी भी डालेंगे। और ये एगलेस केक है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, ताकि आप भी जब केक बनाएंगे तो अच्छा होगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे आप नए हो तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो या रेसिपी आपको डालेंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। इसमें हमें पानी थोड़ा मिक्स करना है, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करना है, मिक्स वेल मिक्स वेल। ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे, आप कुकर में भी बना सकते हैं, आपके पास ओवन अगर उपस्थित है तो आप ओवन में बना सकते हैं। मैं इसको पतीले में बनाऊंगी, या फिर आजकल लिट्टी सेकने वाला जो कुकर आ रहा है आप उसमें भी बना सकते हैं। और ये बर्तन में मैंने घी को मिक्स कर दिया है, और ये बटर पेपर हमारे पास है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। 3 से 4 इंच का जो भी आपके पास बर्तन हो आप उसमें इजीली बना सकते हैं, जिससे आपका केक उसमें बन के अच्छे से फ्लफी होगा और फूलेगा। ऐसे हम ये मिक्स कर लिए घी डाल के, और उसके बाद इसमें बटर पेपर हमने डाल दिया। ये हमारा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर जो तैयार किया है। इससे पहले हमें पतीले में बनाना है, तो हम पतीला चढ़ाएंगे और उसको हीट करेंगे अच्छे से। इसको हम हीट होने के लिए पहले रख देते हैं, थोड़ा ये हीट हो जाएगा उसके बाद ही हम रखेंगे। और आपके पास स्टैंड हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये चालनी रख रही हूँ इसमें स्टैंड के तौर पर। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे गर्म होने देंगे, जैसे ओवन को हम टेम्परेचर सेट करते हैं वैसे ही हम इसमें भी टेम्परेचर बनाएंगे, और तभी हम इसमें मटेरियल डालेंगे। जब तक हम इसको जो है इस बर्तन में पलट लेते हैं मटेरियल को, जिसको हमने बनाया है, और इसे अच्छे से एयर ना ले इसको टैप टैप करेंगे। ये देखिए,
जैसे टेम्परेचर हम ओवन का बनाते हैं वैसे ही हम इसको भी टेम्परेचर बनाने के लिए ढक करके पतीले को रख दिए हैं चूल्हे पे। जब टेम्परेचर बन जाएगा अच्छे से तब हम इसको वो कर इसमें केक डालेंगे। जब तक हम ये हमारे पास एक टिफिन का बर्तन था उसके रबड़ को मैंने निकाल दिया है और तब हम मैंने इसमें ग्रीसिंग करके घी का और उसके बाद बटर पेपर डाल दिया है और इसमें बटर को डाल के और टैप टैप कर रही हूँ जिससे इसमें कोई एयर ना रहे। आपको भी ऐसे ही करना है सेम प्रोसेस। इसमें कंसिस्टेंसी का बिल्कुल ध्यान देना है। ये लगभग 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाएगा लो टू हाई टू लो फ्लेम पर। ये देखिए मैंने टैप टैप कर दिया और ये हम देख लेते हैं टेम्परेचर हमारा कैसा है। ये टेम्परेचर हमारा हो चुका है, बर्तन हमारा बिल्कुल हीट हो चुका है, धुआं फेंक रहा है। अब हम ये इसमें डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे करके छोड़ देंगे। ये देखिए हमने धीमी आंच पे छोड़ दिया है, जब हमें ज़रूरत लगेगा तो हम तेज़ आंच पे भी रखेंगे। टाइम देख के हम 30 से 35 मिनट रखेंगे इसको ऐसे ही और ये इसको पकने में जो समय लगेगा वो लगेगा। आंच पे अब हम इसे देख लेंगे। ये देखिए हमारा केक बन रहा है कितना अच्छा से। ये प्लेट सट रहा था तो ये अब प्लेट को हम ऐसे करके ऐसे ढक देंगे इस तरीके से। केक हमारा परफेक्टली बन रहा है बिल्कुल। और 15 मिनट है, 15 मिनट बाद हमारा केक बन के तैयार हो जाएगा। ये 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हमारे और ये हमारा केक बन करके तैयार है। अब हम इसे चेक करेंगे। ये चाकू हमने लिया है, चाकू की मदद से ऐसे चेक करेंगे। ये अभी अंदर की तरफ कच्चा है तो इसलिए हम इसे अभी और पकने देंगे अच्छे से। जब ये पक जाएगा तो इसमें चाकू में जो है चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो अब इसे हम ही अभी और पकने देंगे अच्छे से। पैंतीस मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे खोल करके देख लेते हैं चाकू की सहायता से कि ये हमारा केक पक चुका है कि नहीं। अगर पक चुका होगा तो ये जो हमारा चाकू है इसमें चिपकेगा नहीं, अगर नहीं पका होगा तो ये चिपक जाएगा इसमें। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लीन निकला है चाकू। तो ये हमारा पक चुका है और अब हम इसे फ्लेम को बंद कर देते हैं। बंद करके और इसको ठंडा होने तक इसी में ढक करके रख देते हैं। जो हीट है वो इसमें मैनेज हो जाएगा। ठंडा होने पर इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं कि हमारा केक कैसा बन करके तैयार हुआ है। ये फाइनल हमारा केक बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कटोरी बिल्कुल साफ हो गया और अपने आप से ही निकल गया। अब ये जो बटर पेपर है हम इसको धीरे धीरे हाथों की सहायता से इसको हटा लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा फाइनली कितना अच्छा केक बन करके तैयार हो गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस पे गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो चॉकलेट सीरम डाल सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी से आप गार्निशिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो कितना ही स्पॉन्जी हुआ है। ये देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।